नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 22 नवंबर 2019, समय 9:17 और मार्केट ओपन हो चुका है, लाइव सेशन भी है। देखते हैं कौन अभी मार्केट 11 पॉइंट निगेटिव। अच्छा, मैं पहले पोजिशन दिखा दूँ। देखिए, मैंने 8 लॉट को सेल किया हुआ था, इसको INR को बाय किया हुआ था, तो ये बाय में हमारा जो है 522 का लॉस दिखा रहा है ना। अभी मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर लिया है, यानी कि 522 का मैंने लॉस बुक किया हुआ है, एक्चुअली 500 का लमसम, और मैंने इसको रिवर्स पोजीशन सेल किया है। पहले बाय किया था, बाय में SL कट गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था उसको काट दिया। अब मैंने यहाँ पे रिवर्स पोजीशन लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो देखता हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस का बना हुआ हूँ, 8 लॉट को बाय किया हुआ, देखते हैं ये लॉस कवर होता है या नहीं होता है। बाकी चीज़ें देख लेता हूँ। ये बाटा इंडिया तो गिरते के साथ, खुलते के साथ काफ़ी नीचे आ गया। डॉक्टर रेड्डी भी काफ़ी नीचे आ गया, कोई बात नहीं। अपोलो 1465 के ऊपर, 1462-66 अभी चल रहा है, 1466। चलिए देखते हैं कहाँ पे क्या होता है। टाइटन का क्या हालचाल है? वाह, जबरदस्त। काफी विद्वांस है। के ऊपर तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखते हैं, ये कवर हो रहा है, कवर हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर लॉस कटेगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, और क्या हो सकता है। ले भी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं। इसका कैंडल कहाँ चला गया? फिर आज प्रॉब्लम कर रहा है ये क्या? इसका तो ठीक है, रिलायंस का कैंडल में प्रॉब्लम दिखा रहा है। अब दिखाया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पहले से ठीक है हेल्थ सर। पहले से सुधार है काफी तबीयत में। नमस्कार, नमस्कार सर। SBI को बाय किया है, ठीक है, SBI को बाय किया है तो
325 के ऊपर बाइंग था उसका, अब तो लेट हो गया। रिलायंस बाय कर रहे थे, बाय लेने नहीं दिया, बहुत तेजी से भाग गया। मैं इसमें बाय कर रहा था, निकल गया वो। अपने बाइंग ले लिया है, 333-34 के ऊपर निकलेगा तो फिर बनेगा, अदरवाइज थोड़ा लेट हो गया, इसमें महंगा मिला आपको। वॉइस स्लो है, अपना वॉइस बढ़ा लीजिए सर, वहाँ सिस्टम, अपने सिस्टम का वॉइस बढ़ा लीजिए। कुछ बोलूँगा तभी तो वॉइस जाएगी ना सर। मनीष साहब, किन्हीं को वॉइस ठीक लग रहा है, किन्हीं को स्लो लग रहा है, सर आप लोग अपने अपने सिस्टम का भी वॉइस बढ़ा सकते हैं, यहाँ से मैं मना नहीं करूँगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कहीं कुछ बन नहीं रहा है अभी फिलहाल। बाटा इंडिया में ही देखते हैं कितना होता है। क्या सब रिजेक्टेड कर रहा है, क्यों आप लोग का भी रिजेक्ट हो रहा है क्या? मेरा 2 बार रिजेक्ट हो चुका है इसलिए पूछ रहा हूँ। एयरटेल में सेल दिया है आपने, बहुत बढ़िया प्रॉफिट ले लिया तो अच्छी बात है। सेल दिया है 422, ठीक है, सब साइडवेज है अभी फिलहाल। ये भी कहीं जा नहीं रहा, ना ऊपर ना नीचे, वहीं भटका हुआ है। कोई बात नहीं, बाटा इंडिया पर फिर अपने प्रेस जस्ट डायल में सेल्स एडवेंटी ले सकते हैं क्या? 1 मिनट सर, एसएल 500 टारगेट 495 और 492।
498 के नीचे कमजोर हो जाएगा। के नीचे आया नहीं, 498.20 का लो लगा के घूम रहा कोई बाद में। ठीक है सर, जस्ट डायल आपने लिया हुआ। पे ना, अभी तो 543, 543 के नीचे हो सकता है सेल। INR में बाय साइड का मूवमेंट लग रहा है। के नीचे ठीक है, रिलायंस मतलब भाग गया, निकल गया, लेने नहीं दिया। एक्सिस 738 के ऊपर बाय, ओके चेक कर लेता हूँ सर। बाय तो ठीक है इसमें, हालांकि ठीक है 738 के ऊपर बाय ठीक है, बढ़िया। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बाय, सारा बैंक बाय ही लग रहा है, सारा बैंक ही बाय लग रहा है। क्यों? सब जगह बाय लग रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। इंडसइंड में भी बाय लग रहा है, एक्सिस में भी बाय लग रहा है, सब जगह अगर बाय लग रहा है आपको ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। बाय लेना भी होगा तो बहुत दूर है। कौन सा बैंक है? इंडसइंड। हाँ रुक जाइए थोड़ा, मनीष साहब को आवाज जा रहा है? मनीष जी आवाज जा रहा है आपको? ओके सर, ₹499। हाँ सेल कर सकते हैं बिल्कुल। SSC बैंक का व्यू तो सेल का ही है। ठीक है, हड़बड़ा के नहीं बेचना है। 498 के नीचे ये कमजोर हो जाएगा। आपने 499 पे सेल किया, अच्छी बात है। एक बार ये रुकना चाहिए 497 के आसपास। इसको ब्रेक करेगा तो और कमजोर होगा, लेकिन यहीं पे से ये ब्रेक नहीं कर रहा है। 498 को ब्रेक नहीं कर रहा है। जील में एक चीज देखते हैं, जील में ना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है, एक एक कैंडल बहुत बड़ी होती है, 337 से सीधे 306 पॉइंट का आपका ये बनता है कैंडल। बिग बड़ा बनता है, वही क्या बहुत 6-6 पॉइंट का बन जाता है ये तो। रिलायंस देखता रह गया, निकल गया, रिजेक्ट कर दिया एक बार ऑर्डर, यहीं पे ले रहा था 46-47 के पास, वो रिजेक्ट हो गया।
काफी अच्छा भागा। वोल्टास तीन, वोल्टास कैनरा बैंक को कर सकते हैं 300, 220 के नीचे, 220-50 भी मार सकते हैं। टाटा स्टील को 386 पे, क्या है टाटा स्टील में भाई? ठीक है, भारत फोर्ज को बाय करना है क्या? सब अभी बाय की तरफ लग रहा है, नहीं बाप रे, लंबे लंबे विक्स बना के चल रहा है। 452-25 का हाई लगा दिया, 450। चार सौ बावन के ऊपर अब लीजिएगा, उसके पहले मत, हाथ मत लगाइएगा उसके पहले। क्या वो हम लोग का आईसीआईसी बैंक क्या चल रहा है? ठीक है ना, हाँ पोजीशन में तो है, कंट्रोल में है, पोजीशन अंडर कंट्रोल है। चलिए क्या चल रहा है इसका एडवांस डिक्लाइन जरा देखें। 20-30 है डिक्लाइन, 30 है एडवांस, 20 है आसपास है। एक बार देखिएगा ये 497 के आसपास जो है ना, 497 के आसपास ये रुकने का कोशिश करेगा आईसीआईसी बैंक, इसको ध्यान में रखना है। जैसा रुकिएगा, मुझे एक ऑर्डर दूसरा टर्मिनल पे लगाने दीजिए, मैं जरा दूसरा टर्मिनल पे लगाता हूँ एक ऑर्डर, एक मिनट रुक जाइएगा। एलटी और बालकृष्ण एलटी तो सर अभी नई मूड लग रहा है इसका, दिक्कत है एलटी में। 1390 के ऊपर ठीक लग रहा है, उसके पहले तो नहीं, बाय के लिए तो बिल्कुल नहीं लग रहा है अभी फिलहाल 1390 के ऊपर। बालकृष्ण पे, हाँ बालकृष्ण जो होगा तो 833 के नीचे, एक मिनट, 833 के नीचे करिएगा सेल, उसके पहले नहीं। तीन सौ छियासी पर ट्रिगर हो गया टाटा स्टील, ओके। अरे आईसीआईसी बैंक नीचे नहीं आ रहा अभी तक ना, आना चाहिए लेके, निफ्टी बैंक कमजोर। अच्छा ग्राफ कौन सा कह रहे थे अभी ट्रिगर हो गया? टाटा स्टील 389 के पास टारगेट है ना पहले। तीन सौ नवासी के पास टारगेट है, चला जाएगा टारगेट। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।
कुछ प्रॉफिट तो आसपास में है तो बुक कराना चाहिए। क्या कह रहे सर? तबीयत सर सुधार पे है लेकिन फिलहाल पूरी। हाँ, टारगेट डन, फर्स्ट टारगेट डन हो गया टाटा स्टील, है ना, फर्स्ट टारगेट डन इन टाटा स्टील। अरे हम लोग जो स्टॉक्स लिए हैं आईसीआईसी बैंक वो तो जा ही नहीं रहा है, क्या करें इसको। के नीचे आ ही नहीं रहा है, 498 के नीचे कमजोर होगा ये, 490 के लो लगा के ऊपर चला जा रहा है, उसके नीचे इसको आना होगा तभी ये कमजोर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका लक्षण खराब लग रहा है, क्या करना चाहिए इसमें। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। स्टॉक में दम तो नहीं है, अगर ये 500 के ऊपर जाएगा तो मैं अपना सौदा खुद काटूंगा, 500 के ऊपर ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए सेल वाला ऑर्डर काटना पड़ेगा, ना तो ये 498 के नीचे आ रहा है ना 500 के ऊपर जा रहा है, फंसा रहा है बीच में। बाटा इंडिया 1630 1622 का टारगेट, टारगेट डन हो गया फर्स्ट। ओके सर, बाटा इंडिया अप्लाई अपना ब्रोकर के थ्रू करिए सर। आईसीआईसी बैंक 500 के ऊपर जाएगा तो मैं काट दूंगा, आप लोगों को बना रहना होगा तो आप लोग बने रहिएगा, मैं तो काटूंगा अगर ये 500 के ऊपर निकलता है तो। क्योंकि इसको जाना रहता ना तो ये अभी तक मैं नीचे चला गया रहता, ये जा नहीं रहा है नीचे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 202 का लॉस दिखा रहे ना। ये एकदम 500 के ऊपर क्लोज भी नहीं कर रहा है, 500 के ऊपर रुक भी नहीं रहा है, वहीं पर से सस्टेन कर रहा है। हाँ चल जाइए स्कूल, कोई बात नहीं। इस कैंडल, अगर ये कैंडल क्लोज नहीं करेगा ना तो मैं अपना स्टॉप लॉस टेल करके नीचे ले आऊंगा। अगर ये 500 के ऊपर नहीं गया ये कैंडल तो मैं स्टॉप लॉस नीचे कर लूँगा, हालांकि खास नहीं है स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस ही है, लेकिन फिर भी नीचे ले आऊँगा। ये 500 के ऊपर पॉजिटिव होता है ये नहीं जाएगा नीचे, इसको कट करिए। ये तब से दिमाग लगा रहा है इसको, मैंने कट कर लिया है ना, देखिए ऊपर वो भाग जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो इसका लक्षण खराब है। जाना रहता तो चला गया रहता, अभी तक नीचे अगर जाना रहता तो चला गया रहता। इंडिगो छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है इंडिगो को तो क्या दिक्कत है, क्यों लगे रहना उसमें। 27 पॉइंट नीचे छोड़ दीजिए, जब नहीं समझ में आए तो उसको इग्नोर कर लीजिए। वाह कंटिन्यू डाउन ही है,
रुक जाइए, साइडवेज है मार्केट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखा आईसीआईसीआई बैंक से काटा तो अच्छा किया ना हम लोगों ने, आप लोग भी काट लीजिए है ना, अगर नहीं काटा है तो, क्योंकि 500 के ऊपर ऐसे भी ये पॉजिटिव हो जाता है। तेरह सौ सड़सठ के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा ना तो एक बाय बनेगा। एक मिनट, 1367 50 और या 68 कर देता हूँ, 68 और 1367 50, ठीक है, और 6 और 12, और इसको बाय ऑर्डर लगाता हूँ, प्लेस किया। 1367 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो बाय बनेगा, जो कि फिलहाल अभी लक्षण तो दूर है, नीचे ही चला जा रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ चलिए, इंडो को एचडीएफसी बैंक 1276, एचडीएफसी बैंक ज्यादा हो गया, एचडीएफसी बैंक 21:28 का रेशियो है। क्या क्या इसमें दिमाग लगाना, सब सारे स्टॉक्स एक साइडवेज मोमेंट में है अभी, है ना। देखिए सब, कोई भी स्टॉक्स देखिए, सब वैसे ही दिख रहा है। सब वैसे ही साइडवेज, वेट कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। इंडिगो 1367 के ऊपर ऑर्डर रखा है, ये भागेगा 1367 के ऊपर तेजी से, लक्षण तो बना रहा है 1367 के ऊपर जाने का। अगर यहाँ से भागता है तो तेजी से निकलेगा, कम से कम 10 पॉइंट तो दे ही सकता है। अभी हाई लगाया 1365 इस कैंडल ने, हाँ ट्रिगर करेगा ऑर्डर लग रहा है 1367, मैंने 68 के पास रखा है। इसके ऊपर अगर ये लाइन के ऊपर निकलता है ना तो फिर ये मजबूत हो जाएगा। देखिए वेट करते हैं, ऑर्डर ट्रिगर हो गया इंडिगो में। देखिए अब यहां से क्या होता है, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, छोटा छोटा क्वांटिटी मिला ना, कोई बात, 1369.70 इसके ऊपर क्लोज करे तब ना, इस लाइन के ऊपर। रिलायंस को सेल मत करिएगा सर, क्यों, पॉजिटिव स्टॉक्स है, क्यों सेल करना उसको। जाना चाहिए, क्या कह रहे सर? अच्छा आपने भी लिया, ओके। देखिए अब वेट करिए, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 12 पॉइंट का टारगेट है। दबा कर भागेगा, अच्छा भागेगा, कहीं हम लोग का स्टॉप लॉस काटने के बाद तो नहीं भागेगा। कहते इंडिगो दबा के भागेगा, हम लोग का स्टॉप लॉस काटने के बाद कहीं भागेगा तब क्या फायदा सर? देखिए आ रहा है स्टॉप लॉस काटने, या देखिए
काटिए देगा स्टॉप लॉस, तभी भागेगा वो। है देखे 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 स्टॉप लॉस काटा, होता है ना कि जब स्टॉप लॉस काटता है उसके बाद स्टॉक भागता है। लोग कहते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस काटने के बाद भागता है, सर जाता वही है जहां उसको जाना चाहिए। देखिए 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 देखिए, काटेगा एसएल, काटेगा 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 काटेगा, बच गया। एक झटका ऊपर, बस एक झटका ऊपर, एक झटका में तो ये टारगेट डन कर देगा, लेकिन नीचे एक झटका मारेगा तो एसएल काट लेगा, उसके बाद फिर भाग जाएगा। हाँ एसएल काटने के बाद फिर चला जाएगा वहीं जहां तक जाना है उसको, वहीं चला जाएगा एसएल काटने के बाद, और इतना तेजी से जाएगा कि मौका भी नहीं देगा लेने का, है ना, इतना तेजी से जाएगा कि मौका भी नहीं देगा। देखिए ना ये कैंडल, यही कैंडल एसएल काटेगा, अच्छा खेल चलता हुआ नहीं, झटका नहीं दे रहा है। ऑपरेटर को बोला हूं ऊपर लेके जाए, ऑपरेटर को आपने बोल दिया ना ऊपर लेके जाने, लेकिन हम लोग का एसएल काटने के बाद ये बोला कि नहीं। कि बैड लक होगा अगर एसएल कट जाएगा तो बैड लक हो जाएगा, एसएल अगर कट जाएगा तो बैड लक है हम लोग, क्योंकि यहां पर से तो स्टॉक मजबूत है 1367 के ऊपर, लेकिन दिक्कत है कि एसएल काटेगा तभी लगता है जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। काट दिया, देखा देखा काटा ना एसएल, और अब चला जाएगा एसएल काटने के बाद, और अब वो चला जाएगा, अब उसको जहां जाना होगा वहां चला जाएगा वो, लेकिन लूंगा जरूर फिर, अगर वो फिर भी जाएगा ना इसके ऊपर फिर निकलेगा, मैं फिर लूंगा, क्योंकि इसके ऊपर तो ये पॉजिटिव है। लुपिन एक्टिवेट हो गया, ओके सर ठीक है, बोला ना ये एसएल काटने के बाद ही जाएगा, ये जाएगा जरूर ऊपर 1367 के ऊपर निकलेगा तो ये जरूर जाएगा। इसने हाई कितने का लगाया इस कैंडल का, 70। इंडिगो को नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, अरे ऐसा क्या है भाई, तो रिजेक्टेड है कर दे रहा है, इसके ऊपर ही ले लीजिएगा, उसके पहले कोई हाथ नहीं लगाइएगा। क्या कह रहे थे लुपिन, इसका क्या हाल चाल है, 1832। ठीक है सर अभी क्लोज करता हूँ, कुछ जान तो नहीं लग रहा है, ठीक है ना सेशन अभी क्लोज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो देखा अभी आप लोग लाइव सेशन चल रहा था, देखिए इसमें मैंने अभी लाइव सेशन में आप लोगों ने देखा इंडिगो को बाय किया था 1367 के ऊपर, फिर से अभी कवर ऑर्डर में मैंने लगाया, चूंकि इस जगह पे ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि इसके ऊपर क्लोज हो तब,
इसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम वाली बात है। अगर इसके ऊपर ये क्लोज करे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्लोज नहीं कर रहा है तो निगेटिव है। उम्मीद है ये लाइन के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट देगा इंडिगो, यहाँ से फिर ये ऊपर की साइड में 1400 तक का भी टारगेट दे सकता है। लेकिन यहाँ पर इसको ये क्लोज करना पड़ेगा, इस लाइन के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। 1386-85 तक तो आराम से ये जा सकता है। अगर 1367-68 के ऊपर क्लोज कर जाए तो देखिए क्या होता है। मैंने लिया है फिर से 30 क्वांटिटी और अच्छा देना चाहिए यहाँ से मूवमेंट ऊपर की साइड में, अगर इसके ऊपर निकलता है तो। देखिए दोस्तों अब ये पॉजिटिव हो रहा है, 1367-68 के ऊपर क्लोज कर देना तो मजा आ जाएगी। क्लोज नहीं कर रहा है, हालांकि मोमेंट में तो आ रहा है। और जैसे ये देखिए 1368-70 को ब्रेक करेगा तो बहुत फास्ट मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा इसका। अभी 60 पैसे का प्रॉफिट में, 60 पैसा देखिए क्या होता है, 18-23 का प्रॉफिट हुआ है ना, 30-23-27। सत्तर जैसे ही इस लाइन के ऊपर निकलेगा ना एकदम तेजी से भागेगा। वेट करते हैं इस लाइन के ऊपर निकलने का। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 10:53:40। स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ 30 क्वांटिटी का, देखिए बिल्कुल यहाँ से लो लगा के ऊपर जा रहा है और 1300 अब 123 का प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल। मुझे लग रहा है 1386 तक जाना चाहिए, अभी वेट करते हैं फिलहाल, देखते हैं 1386 तक जाता है या नहीं जाता है या नहीं जाता है। अच्छा जा रहा है दोस्तों, ये समय 10:55 हो रहा है और 200 का लगभग प्रॉफिट है, 250 का 30 क्वांटिटी में। 1386 तक जाना चाहिए, स्टॉप लॉस बच गया 30 क्वांटिटी का, देखा आपने यहाँ पे। वेट करते हैं 1386 तक जाता है या नहीं। तो दोस्तों जैसा अंदाजा था कि इसने 1386 का हाई लगाएगा तो लगा दिया, 1385.95 का आप यहाँ प्राइस देख सकते हैं। 1385.95 का हाई लगाया, नहीं 1386 का, एग्जैक्ट उसी जगह से अब ये रेजिस्टेंस ले रहा है। 30 क्वांटिटी में 476 का प्रॉफिट हो चुका है। अब अगर ये 1387 ब्रेक करता है दोस्तों तो 1400 की तरफ जाने से फिर इसको कोई नहीं रोकेगा, मुझे पूरा भरोसा है फिर ये 1400 तक को ब्रेक कर सकता है। लेकिन यहाँ से ये रिट्रेस कर रहा है, 1387 के ऊपर अब इसको निकलना पड़ेगा तभी। तो मैं अपना स्टॉप लॉस को दोस्तों यहाँ पे मेंटेन कर लूँगा, ब्रेक इवन पे ला के रख लूँगा ताकि मेरा लॉस ना हो और मैं सुरक्षित सेव रहूँ। तो देखिए जो मैंने एनालिसिस किया था कि 1367 के ऊपर, 1367 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो अच्छा मूवमेंट करेगा, किया जरूर, लेकिन वन टाइम हमारा स्टॉप लॉस काटा, लेकिन उसके बावजूद मैंने फिर से एंट्री लिया और देखिए उसने सारा मैनेज कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें देखिए समझिए और फिर उस पर बने रहिए अगर बिलीव के साथ तो फिर काम होगा। और ये देखिए अगर 1387 ब्रेक करता तो फिर 1400 की तरफ, यानी यहाँ से 13 पॉइंट और ऊपर की तरफ मैं इसको जाता हुआ देख पा रहा हूँ, यहाँ तक मुझे ये उम्मीद है। तो वेट करते हैं और बने रहता हूँ इसके साथ, स्टॉप लॉस मेंटेन है ब्रेक इवन के पास, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ, समय 11:21:20 हो रहा है, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके। तो वेट करते हैं फिलहाल, 30 क्वांटिटी में 500 का प्रॉफिट, 543 का प्रॉफिट हो चुका है, 542 चल रहा है। देखिए ये 1387 ब्रेक कर गया, 626 का प्रॉफिट, 650 हो चुका है और ये 1400 की तरफ जाने की अब पूरी कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो ये होता है अपना बिलीव, अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं तो आपको बिलीव के साथ काम करना पड़ेगा। देखिए इस टर्मिनल का काम मेरा कंप्लीट हो गया, जो लॉस था कवर करके प्रॉफिट में आ गया। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, टाइम लगाते हैं मार्केट को, तो ज़रूर अचीव करते हैं आप। अब देखिए 1400 की तरफ इसको जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है 1400 की तरफ ये जाएगा। देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट, 632 का प्रॉफिट हो चुका है, 650 का प्रॉफिट और इसने हाई लगा दिया 1389.70 का, है ना। वेट करता हूँ फिलहाल, या ऐसा करता हूँ दोस्तों कि मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। 30 क्वांटिटी का प्रॉफिट अगर 600
आ रहा है तो कोई खराब नहीं है, 20 पॉइंट लगभग मैंने अचीव कर लिया यहाँ से, या स्टॉप लॉस को मैं उठा के नीचे रख दूंगा इस कैंडल के नीचे 1381.75 के पास और बना रहता हूँ। एक बार अब ये 1390 ब्रेक करे तो फिर 1400 की तरफ जाएगा, 1390 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 1390 का, 1390 अगर ब्रेक करता है तो 1400 एक झटके में दे देगा, 1390 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 1390, अगर एक बार ये ब्रेक करे तो एक झटके में 1400 का टारगेट अचीव कर सकता है ये। अभी देखता हूँ क्या होता है, 600 का प्रॉफिट में हूँ फिलहाल बना हुआ 620, तो रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। 1395.85 का है लगा दिया दोस्तों, यानी 1396 का, 750 का प्रॉफिट इस क्वांटिटी में काफ़ी है 1400 की तरफ, जैसा कि मैंने कहा है 3 पॉइंट से बच गया है, 1400 का टारगेट भी ये अचीव कर सकता है। और ये एक रेजिस्टेंस है 1400 के पास एक रेजिस्टेंस है, देखिए 1396 रुपये का हाई लगाया है इसने और अभी 1392 के पास प्राइस चल रहा है और 700 का प्रॉफिट में मैं हूँ। उम्मीद करता हूँ 1400 का टारगेट अचीव कर सकता है ये स्टॉक्स, अच्छा मूवमेंट में चल रहा है। वेट करते हैं 750 का प्रॉफिट, 722.690 सिर्फ 30 क्वांटिटी बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, आपकी एनालिसिस अगर सही रहे ना तो दोबारा तिबारा भी लेने में कोई टेंशन नहीं होता है एंट्री, है ना, अगर आपकी एनालिसिस सही है तो। अदरवाइज मार्केट साइडवेज होता है, ज़रूर होता है, वो तो मार्केट का काम ही है, और लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, पर एनालिसिस अगर सही है तो री एंट्री करने में कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए मेरा इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने कहा दोबारा एंट्री लिया क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था उस प्राइस के ऊपर ये काफ़ी तेज भागेगा और वही हुआ, काफ़ी तेज भाग रहा है, 1400 की तरफ जा रहा है, जैसा कि पहला टारगेट 1386, दूसरा 1400, एक टारगेट डन है, दूसरा टारगेट की तरफ 5 पॉइंट बचा हुआ है मात्र अचीव करने में, उम्मीद करता हूँ अचीव कर लेगा। मैं अपना और स्टॉप लॉस को ऊपर कर लूँगा और देखते हैं यहाँ हमारा 1400 का टारगेट आता है या नहीं आता है। 750 का प्रॉफिट हो गया 30 क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी बिग प्रॉफिट चलते रहते हैं इस तरह से। चलिए वेट करते हैं फिलहाल। और इधर दोस्तों INR में भी प्रॉफिट है 97 रुपये का, 8 लॉट, इसको तो मैं भूल ही गया था, 8 लॉट का प्रॉफिट, 57.37 का प्रॉफिट चल रहा है, 57 का प्रॉफिट हो गया है। तो देखिए एक बार 71.85 के पास से अगर ये निकलता है जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है तो एक अच्छा मूवमेंट स्टार्ट करेगा ये INR, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। और जो मैंने आप लोगों को दिया था 71.82.85 के ऊपर बाय के लिए, तो इसने लगभग अभी ऑर्डर ट्रिगर नहीं किया अभी आप लोग, हाँ रेड वाली कैंडल ने ऑर्डर ट्रिगर किया होगा, 81.25 के ऊपर मैंने बाय दिया था, 81.25 ही दिया था ना INR 81.25 या 81.25 71.8125 के ऊपर बाय दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बने रहे, बहुत अच्छा मूवमेंट में है INR, तो अपसाइड के साइड में। टारगेट पहला जो हमारा है इस कंडीशन में 71.90 के आसपास का होगा, तो 71.90 पे एक लाइन लगा के हम लोग चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं ये लाइन, है ना, ये टारगेट होगा पहला। तो देखते हैं INR हमारा टारगेट अचीव करता है या नहीं करता है, और इधर वेट करेंगे INR के लिए। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:39.16 और 397 का प्रॉफिट INR में चल रहा है, यानी 400 का पहला टारगेट जो 71.90 मैंने आप लोगों को दिया है, 71.90 का ही है ना, हाँ 71.90, उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ प्रॉफिट आप लोग यहाँ पे चाहें तो बुक कर सकते हैं दोस्तों, अच्छा प्रॉफिट आप लोग हैं यहाँ पे, 71.81.25 के पास मैंने बाय करवाया और 84.75 चल रहा है, तो एक अच्छा प्रॉफिट है, कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, है ना, बुक सम प्रॉफिट, है ना, तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा सेफ हो जाएंगे हम लोग, बुक सम प्रॉफिट इन USD INR। चल तो यहाँ पे अच्छा रहेगा, मैं मिस कर गया थोड़ा, क्वांटिटी में इंक्रीज कर सकता था, इसमें क्वांटिटी इंक्रीज कर लेता तो और अच्छी बात होती, खैर कोई बात नहीं, वेट करते हैं। 400 का प्रॉफिट चल रहा है अभी, 477 का प्रॉफिट चल रहा है 8 लॉट में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 71.90 तक जाना चाहिए, जा रहा है, यानी कि 500 का लगभग प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है।
अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे ऑल पोजीशन नहीं दिखाया सर आपने, ऑल पोजीशन दिखा देता हूँ, है ना। ऑल पोजीशन देखिए, इंडिगो में 570 का प्रॉफिट बुक किया और यूएसजीएनआर में 500 का प्रॉफिट चल रहा है। इंडिगो में पहला जो याद है ब्रैकेट ऑर्डर में लिया था, जो एसएल काटा था, 240 का लॉस हुआ था। और आईसीसी बैंक में मैंने खुद अपना स्टॉप लॉस, खुद अपना ट्रेड काटा था, तो उसमें मैंने 303 का लॉस बुक किया था। तो ये तीन चार ट्रेड हुए आज हमारा, और ओवरऑल प्रॉफिट में ही हूँ दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हिसाब किताब है। अब INR पे पूरा फोकस है, चूंकि एक ही अभी ट्रेड जिंदा बचा है INR, तो इस पे बना हुआ हूँ 450 के प्रॉफिट के साथ। चलिए वेट करते हैं, मुझे लॉट बढ़ाना चाहिए था, मिस कर गया इस पर, कोई बात नहीं, वेट करते हैं क्या 71.90 तक जाता है या नहीं। अगर 71.90 निकल गया तो फिर बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट होगा फिर यहाँ, जो कि इसको 72 तक लेके जा सकता है। अभी फिलहाल वेट करता हूँ। समय हो रहा है दोस्तों 11:52:43, और मैं स्टॉप लॉस इसका बढ़ा लूंगा ऊपर की साइड में। INR का 71.90 का जो टारगेट है उसके तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ। तो ऑल पोजीशन में मैंने आप लोगों को दिखा दिया है ऑलरेडी, जो INR में चल रहा है 600 का लगभग प्रॉफिट, इंडिगो में भी 570 का प्रॉफिट बुक किया, और पहला बार इंडिगो में ब्रैकेट ऑर्डर में 240 का लॉस हुआ था। ICICI बैंक में मैंने खुद अपना स्टॉप लॉस, खुद अपना ट्रेड काटा था, जो आपने देखा था उसमें 303 का लॉस बुक किया था। तो ओवरऑल यही ट्रेड है। और दोस्तों अब रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, एक्चुअली बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग हो गई है, तो इसमें जो है आपको टेंशन भी होगा बड़ा वीडियो देखने में। तो अब हम लोग मिलेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस के रिव्यू में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।